हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रांजल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एडवांस मैथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एडवांस मैथ जो है ना बहुत लोगों का कमजोरी है, बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको एकदम लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा और आप लोग को जब ये अच्छा लगेगा तभी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक चीज़ तो सुने ही होंगे, जहाँ तक हमको लगता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग तो जानते ही होंगे क्या होता है, बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे करके लिख देते हैं जोड़ने पर। अब क्या, ए ए टू ए स्क्वायर प्लस बी बी टू बी स्क्वायर, अब ये क्या हुआ, कट गया, एक प्लस एक माइनस। ठीक, अब इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना क्या करना है। अब इसको हम इस साइड में लाते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब 2 कॉमन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान, अब ये इधर अगर गुणा है तो इधर आएगा तो भागा होगा ना। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर टू। अब ये हमारा एक इक्वेशन निकल गया, जानते हैं। अब इसमें ए और बी का मान चाहे कुछ भी रखें, आपका जो है आंसर दो ही आएगा, आपका आंसर केवल दो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं है एग्जांपल एक तो देख भी लेते हैं। एक मान लो ए बराबर दो रख देते हैं, बी बराबर तीन रख देते हैं। अब इसमें देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दो प्लस तीन का होल स्क्वायर प्लस दो माइनस तीन का होल स्क्वायर अपान फोर माइनस फोर प्लस, अब कितना, तीन का होल स्क्वायर यानी नौ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, तीन दो पाँच पचास पच्चीस प्लस एक आएगा ना अपान, ये नौ चार तेरह बराबर छब्बीस बटा के तेरह, कट गया बराबर दो, आप लोगों के सामने है। क्या ये कठिन है? नहीं, ये बिल्कुल आसान है। अभी आगे मैं इसे पढ़ाते पढ़ाते जब आगे पहुंचूंगा ना, आपको जो है जो आप वन डे एग्जाम में पेपर में आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा ईजी है। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको जो है प्रूफ कराऊंगा कि वो कैसे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख, एक टाइप तो हम लोग देख लिए, अब इसको दूसरा टाइप देखते हैं, अब क्या करेंगे इसको। अच्छा, हमने पहले क्या किया, जोड़ लिया ना, अब इसको घटाते हैं, लिख देते हैं घटाने पर, लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा,
यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अब क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 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 फोर ए बी। ठीक, अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी इक्वल टू फोर। दोस्तों आप जो है इसमें ए और बी का कोई भी मान रख लीजिएगा, अगर चार नहीं आया तो कहना। तो फ्रेंड्स ये मैं आप लोग को रटवा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आगे मैं एक और देखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग जो है ना, अच्छा इसको देख ही लेते हैं एक बार रख के। ए बराबर मान लो हम दो रखते हैं और बी बराबर तीन रखते हैं, ए उस बार रखा था ना, तो क्या होगा, ए प्लस बी टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपान ए बी टू इंटू थ्री। तीन दो पाँच पचास पच्चीस प्लस सॉरी ए माइनस, ये क्या हुआ, एक आया अपान तीन दुना के छ बराबर चौबीस बटा के छ चार, आंसर आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, प्लीज। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक और टाइप देखते हैं। x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू अगर p दिया है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग देखे होंगे, ऐसे आता है ना, तो आइए देखते हैं क्या होता है। हम इसका जानते हैं कि यही होता है पी स्क्वायर माइनस टू, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे ये देखते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पे यहाँ क्या कर देते हैं, दोनों, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं, x प्लस वन अपान एक्स अगर ऐसे चलो ठीक स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू गुड़े एक्स गुड़े वन अपान एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। इतना कन्फर्म है आप लोग को, अब आगे देखते हैं। अच्छा ये बताना, गुड़ा में ये ऊपर है ये नीचे है, इसको क्या करेंगे, ये कट जाएगा ना, एक्स एक्स गायब। ठीक, दो का गुड़ा एक में करेंगे दो आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू पी स्क्वायर। इतना कन्फर्म है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये जब प्लस में बराबर इस साइड है, जब पक्षांतर करके इस साइड में करेंगे तो इधर अगर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अरे यही तो हम खोज रहे थे ना, मैं बोला ना कि ये आएगा, लेकिन कैसे आया आप लोग के सामने है ना। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, और बाकी जो है इसका एक एक अब इसके बाद जो मैं करूँगा, जो लेक्चर आएगा मेरा, उसमें केवल तीन टाइप पढ़े हैं, तीनों टाइप पे केवल एग्जांपल होगा, उसको जब हम कर लेंगे, अभी हमारे पास समय है, तो हम इसको क्यों ना अच्छे से पढ़े, ताकि हमें एकदम जो भी कॉन्सेप्ट हो एकदम क्लियर हो जाए।
ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे दे दिया एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू नाइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक, तो हम जान रहे हैं ना पी स्क्वायर माइनस टू, पी कितना है नाइन, नाइन के स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 981 माइनस 2 बराबर 79 आंसर। ये तो आ गया ऐसे फार्मूले से तुरंत हमने निकाल लिया ना, लेकिन अब इससे भी अगर करेंगे तो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग जो है फार्मूले पे रख के एक ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा 10 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज का लेक्चर मैं इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ। और ये तीन टाइप जो है, अगले बार जब मैं आऊँगा, अगला लेक्चर लेके आऊँगा, तो उसमें इसका केवल और केवल एग्जांपल होगा और आप लोगों को समझ में आएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर मैं देखूँगा फिर अगर सुधार करने लायक होगा सुधार करूँगा, और अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा तो इसका फिर से मैं लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग से बस एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, बाय दोस्तों।